हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। अभी हम कर रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 और आज देखें कि हम 11th क्वेश्चन, ठीक है। 11th क्वेश्चन ये रहा 6.40, ये वाला इस डायग्राम ये इससे कनेक्टेड है। इन द गिवन फिगर ई, अच्छा ई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से इधर परपेंडिकुलर डाल रखा है, इधर ये परपेंडिकुलर डाल रखा है और बोल रखा है कि ए बी ए सी बराबर है। ये जो सॉलिड जो ट्राइंगल बना रखा है ये आइसोसेलस है, ए बी इक्वल टू ए सी है। इसमें ये प्रूव करना है कि ए बी डी ई सी एफ के सिमिलर है। ए बी डी कहाँ पर है, ए बी डी और ई सी एफ, अच्छा इधर ये इधर वाला ट्राइंगल और इसके ये नीचे वाला ट्राइंगल जो लेट रखा है, ये दोनों हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो करते हैं भैया अभी प्रूव। ये तो बना लेते हैं अपना वो वाला ट्राइंगल सबसे पहले। ये है ए, ये बी और ये सी। इसको इधर साइड इस साइड में ना प्रोड्यूस कर लेते हैं ऐसे। यहाँ से डाल रखा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ से ऊपर से डाल रखा है इधर की साइड परपेंडिकुलर, ये लो ठीक है। ये पॉइंट अपना ई, इधर कौन सा पॉइंट है डी। हमें प्रूव करना क्या है, टू प्रूव, अच्छा गिवन है पहले वो सब लिख लेते हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें गिवन है। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर तो इसमें दिख ही रहा है तो वो नहीं लिख रहा मैं। इसमें गिवन है कि ए बी किसके बराबर है, ए सी, ए बी और ए सी बराबर है दोनों के दोनों, ठीक है। तो गिवन आ गया, अब टू प्रूव, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ, ई सी एफ, ये हमें प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है नहीं, टू प्रूव प्रूफ लिखते प्रूफ लिखते हैं इसका डायरेक्ट। देखो भाई ए बी डी कहाँ पर है, ए बी डी ये रहा अपना ट्राइंगल। और दूसरी चीज़ ई सी एफ कहाँ है, ई सी एफ, ठीक है। तो देखो दोनों में 90 डिग्री तो है ही, ए बी डी के अंदर यहाँ 90 डिग्री, ई सी एफ के अंदर ये वाला पॉइंट क्या है एफ, ई सी एफ के अंदर ये एफ 90 डिग्री है। और कोई एंगल कॉमन आए तो देखो, अच्छा ये इसको कैसे काम में लेंगे, ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर तो ये आइसोसेलस ट्राइंगल हो गया, तो यहाँ वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, उससे अपना काम बन गया। तो क्या लिखें, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले ए बी और ए सी को काम में लेते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी के सामने का एंगल, ए बी के सामने का एंगल क्या है सी, एंगल सी है, फिर उसको एंगल ए सी भी नाम दे देता हूँ, एंगल सी बोल देता हूँ। ए सी, ए सी कहाँ है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ए सी के सामने की साइड, ए सी के सामने की साइड क्या है, ए बी सी के अंदर ही ढूंढना है ऐसे, ए सी के सामने की साइड तो बहुत सारी है। ए सी के सामने का एंगल क्या है, ए सी के सामने वाला ये है बी, ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ एंगल बी। इसका रीजन क्या देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, मतलब आइसोसेलस ट्राइंगल है वो सब भी बोल सकते थे हम। अब अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या लिखें, अपने ये वाले पॉइंट्स ले लेते हैं दोनों के दोनों। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल दूसरा क्या है ई सी एफ, ई सी एफ, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं। सबसे पहले 90 की बात, ए बी डी के अंदर 90 कौन है, एंगल ए डी बी, ये वाला 90 डिग्री पर है, इक्वल टू ई सी एफ के अंदर 90 कौन है, एफ वाला ई एफ सी, एंगल ई एफ सी इक्वल टू दोनों के दोनों 90 डिग्री, इसलिए दोनों बराबर है। फिर ई एफ सी के अंदर कौन सा एंगल आता है, एंगल सी आता है। और ए बी डी के अंदर, ए बी डी के अंदर कौन सा एंगल आता है, एंगल बी आता है। ऐसा क्यों, ये बिहेवियर हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड, ठीक है, दो एंगल बराबर हो गए, सिमिलरिटी क्या लगेगी, ए ए बाय ए ए सिमिलरिटी, दोनों ट्राइंगल्स को बोल देते हैं, बस हो गया। इन ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ, ठीक है। तो देखो ए ए वाई बहुत वाइडली यूज में ले रहे हैं हम ए ए को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है ये क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे बच्चों का डाउट रहता है ये क्वेश्चन नंबर 12 है और एक क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 तो बहुत तगड़ा है। साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू दी साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन
पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अच्छा, दो ट्राइंगल हमें बनाने पड़ेंगे, फिर ऐसे ऐसे शो करना पड़ेगा उन्हें। एक अलग ट्राइंगल बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं ए बी सी, एक अलग ट्राइंगल बना लेते हैं, वो इधर बना लेते हैं, यह है पी क्यू आर। ठीक है, इसके अंदर एक मीडियन है, यह है डी पॉइंट, इसमें भी एक मीडियम है, मीडियन है, ये एम पॉइंट। ठीक है, बोला क्या है, देखो भाई गिवन क्या है यहाँ पर गिवन क्या है कि इसकी साइड ए बी और ये बी सी साइड और ये ए डी मीडियन, उसके पी क्यू साइड, क्यू आर साइड और पी एम मीडियन के प्रोपोर्शनल है। तो गिवन में क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल। तो देखो प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो बराबर बता देंगे हम, और कुछ नहीं करेंगे। ए बी, ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी, बी सी के उधर करस्पॉन्डिंग कौन आएगा, क्यू आर। बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू इसकी मीडियन ए डी अपॉन उसकी मीडियन क्या है, पी एम। प्रोपोर्शनल है तो इनका रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब आगे देखो, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, यहाँ पे लिखा है, हाँ दोनों ट्राइंगल, दोनों बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो ये वाला जो ट्वेल्थ क्वेश्चन है ये है आसान, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों का डाउट रहता है। तो प्रूफ देखो कैसे करेंगे इसका बस छोटा सा प्रूफ करेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या करें, इसके अंदर जो रेशियो दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू, अब ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी अपॉन पी क्यू ये तो आना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ और क्या दे रखा है यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं, है ना। पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर लेते हैं, फिर उससे क्या होगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा, फिर एक ये वाला एंगल छोटे वाले ट्राइंगल में भी है और ये तो बड़े वाले में भी है, तो वो छोटे वाले से बड़े वाले में हम उसको स्विच कर लेंगे, उससे बड़े वाले क्वेश्चंस, बड़े वाले ट्राइंगल सिमिलर प्रूव जाएंगे। ये काम करते हैं तो क्या लिखें, सबसे पहले इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स को लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। ठीक है, इनके इनको कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे, इधर देखो पहले ये लिखते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, चलो लिख लेते हैं एक बार, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। यहाँ पर ए बी ए डी, ए बी और ए डी तो इस ट्राइंगल में है लेकिन इधर बीच में लिखा है बी सी, तो बी सी तो पूरे में हो गया, तो हम बी सी को पूरा नहीं लिखेंगे, हमें तो इतने से ट्राइंगल के लिए तो बी डी चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे बी सी को इस ट्राइंगल के हिसाब से चेंज कर देंगे। बी सी को मैं बी डी का डबल लिख सकता हूँ, इस बी सी को मैं बी डी का डबल लिख सकता हूँ, भाई ये यहाँ पर मिड पॉइंट है ना, ये इधर इनका मिड पॉइंट कौन है एम, ये मीडियन है, मीडियन तो मिड पॉइंट पर जाके मिलती है, तो इसको मैं डबल लिख लेता हूँ। क्या लिखें, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी का, बी सी को क्या लिखें ट्वाइस ऑफ बी डी, नीचे क्यू आर, क्यू आर को क्या लिखें क्यू एम का डबल, ट्वाइस ऑफ क्यू एम इक्वल टू ए डी, ए डी तो ए डी रहेगा अपॉन पी एम का पी एम रहेगा। देखो ये टू से टू कैंसिल हो गया, ध्यान से देखना ये तीनों साइड्स है इन दोनों ट्राइंगल्स की, ये तीनों साइड्स किसकी, इन दोनों ट्राइंगल्स की, तीनों साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है, मतलब तीनों साइड्स क्या है प्रोपोर्शनल। जब तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होती है तो कौन सा रूल लगता है, कौन सा क्राइटेरिया लगता है, बाय एस 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 सिमिलरिटी, बाय एस 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 सिमिलरिटी, यहां वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो सिमिलर प्रूव कर देंगे ना इनको, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी, तो उधर उधर क्या बनेगा पी क्यू एम, पी क्यू एम। तो अच्छा यहां से हम फायदा क्या उठाएंगे, जब भी ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो आप एंगल्स बराबर बता सकते हो और साइड्स को प्रोपोर्शनल बता सकते हो, तो साइड्स को प्रोपोर्शनल करके तो हमने सोल्व किया ही है, तो एंगल बराबर बता दो, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, अब बस अब इससे ना हम ये वाला प्रूव कर देंगे, अभी तक इस पर नहीं आया, अब इससे हम वो वाला प्रूव कर देंगे, देखो कैसे इसको देखो ये वाला काम में लेंगे
यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले देखो क्या लिखे, क्या क्या गिवन है, ए बी सी और पी क्यू आर। इस ए बी सी और ये इस पी क्यू आर के अंदर ए बी और पी क्यू का रेशियो ये तो काम आएगा, बी सी और क्यू आर इसका रेशियो भी काम में आएगा। तो पहले तो ये लिख लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, ये क्यों, ये है गिवन, ये आ गया अपने गिवन में। उसके बाद अभी हमने क्या प्रूव किया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी लिख लेते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। देखो क्या सिस्टम हुआ यहाँ पर, क्या क्या प्रूव कर दिया हमने, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इधर का रेशियो इधर और इधर के रेशियो के बराबर आ गया, ये बीच वाला एंगल इसके बराबर, तो क्या सिस्टम बन गया, साइड फिर ये एंगल फिर ये साइड, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो कौन सा सिमिलरिटी रूल लग गया इस बार, एस ए एस बाय एस ए एस, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, समझ गए, बाई एस ए एस सिमिलरिटी, बाई एस ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। समझ में आया कि नहीं आया, अगर समझ में आया तो लाइक जरूर करके जाना। अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, इसका कोई डायग्राम तो गिवन नहीं है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता रहता हूँ, डायग्राम बना के बताता हूँ कैसा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले बोला गया है कि डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी बनाते हैं सबसे पहले, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। इसमें बोला है कि बी सी के ऊपर कोई पॉइंट है डी, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है डी और ए डी सी। इसमें बोला है कि गिवन, इधर लिखता हूँ, गिवन में बोला है एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा फिर, ये वाला एंगल बी ए सी के बराबर है, इस वाले के बराबर है। अच्छा, छोटे वाले का एक एंगल बड़े वाले के उस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये एंगल तो पूरे बड़े वाले में बन रहा ना, छोटे वाले में तो बन नहीं रहा। शो देट, हमें टू, इधर लिख रहा हूँ टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, सी स्क्वायर सॉरी सी ए का होल स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये चीज़ प्रूव करना है इसके अंदर। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो ना ये छोटी छोटी चीज़ें ना समझा करो, कई बार कहीं पे लिखा नहीं होगा, बस तुम अप्रोच से देखा करो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है। देखो सी ए का स्क्वायर, ये नंबर ऐसा तो अचानक से आता नहीं है, कहीं कोई दो रेशो बराबर रहे होंगे, फिर दो जैसे ये है ना इस टाइप से, ऐसे रेशो बराबर रहे होंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलरिटी से रिलेटेड है, दो रेशो बराबर कब होते हैं, सिमिलरिटी में होते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में इसकी शक्ल ऐसी बनी होगी। तो हमें सिमिलर प्रूव करना है कि नहीं दो चीज़ों को। अब देखो कैसे, सी ए का स्क्वायर है सी ए इंटू सी ए, ये सी ए दो बार आया है, तो सी ए ये दो बार आना चाहिए। सी बी कहाँ पर है, सी बी है ये वाली लाइन, ये सी बी लाइन है। सी डी कहाँ है, सी डी है ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन दो बार काम में लिए, ये दो बार काम। तो ऐसा कोई ट्राइंगल बताओ, दो ट्राइंगल बताओ, क्योंकि सिमिलर एक ट्राइंगल को तो नहीं करते ना, दो ट्राइंगल को बताओ जो कि इस क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। देखो ये छोटे वाले ट्राइंगल से रिलेटेड है, तो एक तो ए डी सी ट्राइंगल आएगा, एक ये बड़े बड़ी लाइन बना दी, तो एक बड़ा वाला ट्राइंगल काम में आएगा, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल काम में नहीं आएगा। तो ऐसा समझे ना, ये होती है अप्रोच। देखते चलो प्रूफ, देखो इसका हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं, एक तो बड़ा वाला लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, दूसरा कौन सा है, दूसरा छोटा वाला इधर वाला है ना, ए डी सी, ए डी सी, अभी ऑर्डर नहीं पता, हम ऐसे कोई सा भी रैंडमली लिख लो यहाँ पर। तो अब देखो ध्यान से, ए बी सी ये पूरा बड़ा वाला, ए डी सी ये इधर, ये छोटा वाला, तो पूरे बड़े वाले में और छोटे वाले में दो एंगल इक्वल बताने हैं, कौन सा एंगल। अभी देखो ये वाला एंगल तो दोनों में, छोटे वाले में भी है और पूरे बड़े वाले के अंदर भी है ये, तो ये वाला एंगल सबसे पहले लिखो, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, क्या इसका क्या रीजन है, दिस इज कॉमन एंगल। ठीक है, फिर दूसरी बात, ये जो गिवन है ये कब काम में आएगा, अभी काम में आएगा, इस छोटे वाले ट्राइंगल का ये एंगल और बड़े वाले ट्राइंगल का यहाँ वाला एंगल, ठीक है, ये बराबर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू बड़े वाले का क्या नाम है, बी ए सी,
एंगल बी ए सी, ऐसा क्यों? ये है भैया गिवन, ये गिवन है। तो देखो दो ट्राइ दो एंगल्स हमने इक्वल बता दिए, तो कौन सा रूल लगेगा? बाय ए ए, बाय ए ए सिमिलरिटी, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर। अभी आती है ऑर्डर लिखने की बात आती है, ऑर्डर, क्योंकि इधर तो रेशियो, इस बार तो आप वो ट्रिक भी नहीं लगा पाओगे कि जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा क्या वैसा ही प्रूव करना है, ऐसा नहीं करेंगे इस बार ना, पूरा कंसेप्ट से समझेंगे इसको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया ये। कैसे कैसे लिखेंगे? तो पहले वाले ट्राइंगल का नाम तो ऐसे ही लिख लो, क्या है? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी के सामने आप डिसाइड करेंगे। देखो सी वाला सी वाले के सामने आएगा, क्योंकि सी वाला सी वाले के बराबर, तो सी इधर कौन से पे बैठा है? तीसरे पर, तो इधर भी तीसरे पर किसको बैठाएंगे हम? सी को। इधर देखो बीच में क्या है? डी। इधर बीच में क्या है? ए। तो डी वाला ए वाले के सामने आएगा। इधर ए वाला हमने इधर लिख दिया, इस बार ए वाला इधर है तो पहले पर है ए वाला, इधर पहले पर कौन? इधर इस ए के सामने कौन आएगा? डी वाला आएगा। तो ए के सामने यहाँ पर पहले प्लेस पर लिखो डी, ए यहाँ पे पहली सीट पर बैठा है, इधर भी ये पहली सीट पर बैठेगा। तो ए डी सी में से हमने डी और सी तो नाम दे दिया, बीच में ऑब्वियसली ए की जगह बची होगी। इस टाइप से हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, ये ऑर्डर लिख दिया। अब ये वाला चीज़ प्रूव करना है, तो ये वाला चीज़ कैसा आएगा? कोई रेशियो लिखना पड़ेगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आया होगा, तो इसका रेशियो लिखते हैं फटाफट। देयरफॉर इसका रेशियो लिख डालो, पहला दूसरा, पहला दूसरा ए बी अपॉन डी ए, फिर दूसरा तीसरा बी सी अपॉन इसका दूसरा तीसरा क्या है? ए सी इक्वल टू पहला और तीसरा ए सी इक्वल टू इधर डिवाइड बाई इधर क्या आएगा? डी सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया अपना एक्सप्रेशन। इसमें देखो सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर, सी ए दो जगह कहाँ कहाँ है? एक तो यहाँ पर है सी ए, एक यहाँ पर है सी ए, सी बी वो इसके अंदर आ गया, सी डी वो इसके अंदर आ गया। तो ये दो रेशियोज काम के लिखने, तीनों रेशियो है, फिर जो क्वेश्चन ने पूछा है वो वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होता इस चीज़ से। तो इन दोनों रेशियोज को अलग से लिखो, बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया बी सी इंटू डी सी, ए सी और ए सी मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया? ए सी स्क्वायर, ये हो गया प्रूफ। उससे अगर नहीं हुआ तो देखो ए सी स्क्वायर को आप इधर लिख दो, और वो भी कैसे? उल्टा करके, सी ए स्क्वायर, इधर सी बी है तो बी सी का नाम ही तो सी बी है, ये सी बी मल्टीप्लाई बाय डी सी, डी सी को यहाँ पर सी डी लिख रखा है तो सी डी लिख दो। समझ में आया? ये हो गया हैंस प्रूव्ड। हाँ, तो ये तीन क्वेश्चन थे ये। अब आगे वाले क्वेश्चन भी, ये जो 14 क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज के। ये लास्ट वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मतलब अलग से हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।